दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं दालचीनी से होने वाले अद्भुत फायदों के बारे में। दोस्तों मैं आपसे कहूंगी, अगर आपके सर से लेकर पैरों तक कोई भी तकलीफ है तो दालचीनी का सही इस्तेमाल और कब पीना है वो जान लें। आप घर बैठे बैठे अपने डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे और आप उस बीमारी का डॉक्टर की तरह इलाज नहीं बल्कि उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का नुस्खा शफा अपने हाथ में ले लेंगे। तो इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनिए, फॉलो भी करिए। हो सकता है आपके लिए 10% इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो और जो आप इन्फॉर्मेशन मुझसे लेंगे वो अगर किसी से बांट देंगे तो सामने वाले की जिंदगी और बेहतर हो सकती है। क्योंकि लाइफ में हर किसी को फिटनेस जरूर चाहिए। फिटनेस ऐसी नहीं सिर्फ बॉडी पतली, बल्कि इंटरनली अगर हम फिट होंगे तभी हम लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दालचीनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये हमारे शरीर में से जितना भी इंसुलिन यानी एक्स्ट्रा जो शुगर होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। हमारे बॉडी में जहाँ फैट है ये उसको बहुत बढ़िया तरीके से पिघलाने का काम करती है। अगर आपका वजन भी बढ़ता जा रहा है, आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं, आपकी भी 9 to 5 की जॉब है, उसके बाद आपको घर और बच्चे संभालने पड़ते हैं, ऐसे में ये दालचीनी का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। तो हर बीमारी के लिए बहुत ही अलग तरीका है जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज ध्यान से सुन के फॉलो करिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो जानिए कि उस बीमारी के लिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले मोटापे के लिए अगर आप लेना चाहते हैं दालचीनी को, तो आपको लेना है 1 कप पानी, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस। अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसमें शहद ऐड ना करें। दालचीनी आप ले सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम रखिएगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपने पानी को बॉइल करना है। बॉइल पानी में आपने 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डालना है और उसको अच्छे से बॉइल्ड होने देना है। जैसे वो बॉइल्ड होके थोड़ा सा कम हो जाए, सूख जाए, तब उस पानी को आप एक ग्लास में डाल दीजिए। डालने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसमें आप 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिला लीजिए और यहाँ पे आपका मिश्रण तैयार है। इसको आपको पीना है रोजाना सुबह खाली पेट सिप सिप करके 1 महीने तक। अगर आप इसको लगातार पीते हैं सर्दियों के मौसम में तो आपका मोटापा ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं, ट्रस्ट मी। लेकिन फॉलो करना है डेली सेम मेथड से, सेम क्वांटिटी जितना आपको बताई गई है एज इट इज फॉलो करना है। दूसरी बीमारी अर्थराइटिस। बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कई लोगों को गठिया जैसी बीमारी घेर लेती है, ऐसे में दालचीनी उनके लिए एक औषधि का काम करती है। क्योंकि दालचीनी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गठिया की बीमारी में राहत देते हैं। अगर आपके शरीर में भी कहीं दर्द है, सूजन है, तो दालचीनी का इस्तेमाल जरूर करें। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? दालचीनी के तेल की 3 से 4 बूंदें नारियल या सरसों के तेल में मिलाकर गुनगुना करके गर्म कर लें और अब इस तेल से हड्डियों की मालिश करें। ऐसा करने से आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी। और रोजाना रात को सोने से पहले 1 कप पानी में 1/2 चम्मच दालचीनी उबालकर उसको सिप सिप करके चाय की तरह पीकर सो जाएं। सोने से 1/2 घंटा पहले आपका गठिया का दर्द, अर्थराइटिस, नसों की सूजन कैसे गायब होगी आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो करेंगे। डायबिटीज। खराब जीवन शैली और खान पान की वजह से कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। वक्त के साथ साथ डायबिटीज अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है। ऐसे में दालचीनी में कुछ ऐसे एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और एक रिसर्च में ये पाया गया है। क्योंकि इसमें मौजूद होता है पॉलीफेनॉल्स शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा को बेहतर बनाता है। तो अगर आपको भी है डायबिटीज उसको जरूर पिए। कैसे पीना है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको उसके लिए लेना है छोटा अदरक का 1 टुकड़ा, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच कच्ची ऑर्गेनिक शहद या सामान्य शहद आप ले सकते हैं, 1/2 या 1 कप फिल्टर या छना हुआ पानी। पानी को मध्यम से थोड़े से ज्यादा आंच पर गर्म करें। अदरक के छोटे या बारीक टुकड़े कर लें। जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें अदरक डाल दें, फिर गैस को थोड़ा कम कर दें और इसमें दालचीनी डालें। 5 मिनट तक दालचीनी को पानी में भीगने दें, फिर पानी को छान कर एक कप में डालें और अब इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर सिप सिप करके रोजाना किसी भी टाइम आप इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे में लगातार अगर आप इसका 1 महीने तक सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी।
जाएगी। अगर आप भी अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, उससे तनाव और चिंताओं को कम करना चाहते हैं, तो दालचीनी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण मनुष्य को अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे मस्तिष्क बीमारियों से दूर रखता है। अल्जाइमर में याददाश्त कमजोर हो जाती है, वहीं पार्किंसन में शरीर के अंगों में कंपन शुरू हो जाता है, हमारा मस्तिष्क कांपने लगता है, हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, चीजें रखकर हम भूल जाते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो इसके लिए आधा या एक कप पानी लें, दालचीनी की छोटी सी छड़ी और एक चम्मच शहद आपको लेना है। सबसे पहले बनाने के लिए पानी को उबाल लें। अब बर्तन में दालचीनी डालकर उसमें गर्म पानी डालें। पानी में करीब 10 मिनट तक दालचीनी को भीगने दें ताकि इसके सारे गुण उसमें आ जाएं। फिर पानी को छानकर उसमें शहद मिलाकर सिप सिप करके पिएं। आपको खुद नोटिस करेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई है, आपका माइंड रिलैक्स हो गया है, आपका दिमाग पहले से तेज चलने लगा है। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है तो इसके लिए आपको दालचीनी का इस्तेमाल इस तरीके से जरूर करिएगा। ऐसे में आपको 2 गिलास पानी में दालचीनी पाउडर डालकर उबालना है, फिर उसमें शहद मिलाकर उसको पीना है। ये आपको दिन में 2 बार करना है। ऐसा करने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पेट का दर्द, ऐंठन, तकलीफें कैसे गायब हो गई और आपका पीरियड टाइम बहुत अच्छे से जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको डॉक्टर ने रेकमेंड करी है बहुत तरह की दवाइयां, तो उनको छोड़कर आप आज से ही दालचीनी की चाय पीना शुरू करें, सब्जियों में दालचीनी डालकर खाएं। इससे उनका स्वाद भी बढ़ेगा और आप खुद नोटिस करेंगे कि 1 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया था बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। तो आई होप गाइस मैं आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर पाई हूँ, आपको उसके नुस्खे बता पाई हूँ, तो प्लीज इनको फॉलो करें। और दालचीनी के फायदे इससे ज्यादा अनेक हैं। तो सबसे बेस्ट चीज मैं आपसे क्या शेयर करना चाहूंगी कि वजन छोड़कर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप इसका सेवन चाय का सुबह खाली पेट करें, और अगर आप अपने आप को इंटरनली फिट रखना चाहते हैं तो पूरा दिन में खाना खाने के आधे घंटे बाद दालचीनी वाली चाय जरूर पिए। उसमें आधा चम्मच पानी में दालचीनी पाउडर डालें, उबालें, अदरक डालें। आपको ना कफ होगा, ना कोल्ड होगा, ना ही आपको फीवर होगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपको फ्यूचर में जाके हड्डियों का दर्द नहीं होगा, सूजन नहीं होगी, आपकी स्किन और बाल बहुत हेल्दी रहेंगे क्योंकि दालचीनी हमारे स्किन और बालों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो प्लीज इसको जरूर पिए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।